जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11 की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल के लेसन नंबर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस को। और ये डिस्कवरिंग टूट जो है वो टूट एक मिस्र के या इजिप्ट के राजकुमार का नाम था तूतनखामेन, और सागा का अर्थ होता है ऐसी स्टोरी जो किस पास्ट में कभी स्टार्ट हुई हो और जो आज भी कंटिन्यूड है। यदि हम इसके जस्ट की बात करें तो द लेसन डिस्कवरिंग टूट इज रिटन बाय ए आर विलियम्स एंड इज अबाउट द लास्ट एयर ऑफ इजिप्ट। ये जो कहानी है टूट की खोज, इसका पाठ ए आर विलियम्स के बारे में है जो मिस्र के अंतिम उत्तराधिकारी के बारे में उन्होंने लिखा है, जिसे अंतिम फिरौन तूतनखामेन और उसकी सुनहरी कब्र माना जाता है। सो कंसीडर्ड टू बी द लास्ट फेरो तूतनखामेन एंड हिज गोल्डन टूम्ब। ही डाइड एट द एज ऑफ 17 एंड रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 9 इयर्स। उसकी मृत्यु 17 साल की उम्र में हो गई थी और उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। हिज डेथ रिमेन्ड अ मिस्ट्री and this lesson talks about various possibilities related to his mysterious death. ये जो लेसन है ये उसकी मृत्यु जो कि एक रहस्य थी उसके बारे में और उसकी विभिन्न संभावनाओं के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ उसकी रहस्यमय मृत्यु के बारे में भी पता करने की कोशिश करते हैं। Let's dive into the lesson of class 11th and get an idea about Egyptian कल्चर आइडियाज एंड बिलीव्स। आइए हम कक्षा 11वीं के इस पाठ को पढ़ें और मिस्र की संस्कृति, विचारों और विश्वासों के बारे में एक विचार प्राप्त करें। He was just a teenager when he died. बहुत ही दुखद है कि वो सिर्फ एक किशोर ही था जबकि उसकी मृत्यु हो गई। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Egypt यानि मिश्र, तो वो heir का अर्थ होता है उत्तराधिकारी। वो एक शक्तिशाली परिवार का आखिरी वारिस था, आखिरी वंशज था, और उस परिवार का था वो जिसने कि मिश्र के ऊपर कई सदियों तक, उनके साम्राज्य ने कई शताब्दियों तक शासन किया। सेंचुरी का अर्थ होता है 100 साल की अवधि, जैसे 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी the 19th century. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. वो उसे सोने से लादकर कब्र में आराम करने के लिए लिटा दिया गया था। लिटाने के बाद क्या हुआ? Eventually forgotten, और बाद में उसे भुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, और जब से 1922 में उसके मकबरे की खोज हुई है, the modern world has speculated about what happened to him. तो तब से लेके आज तक ये जो आधुनिक समाज है, ये जो आधुनिक विश्व है, ये speculate का अर्थ होता है अनुमान लगाना कि उसके साथ क्या हुआ होगा जो कि इतनी कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बारे में ये जो आधुनिक समाज है ये सिर्फ अनुमान ही लगाता रहता है। With murder being the most extreme possibility, और जो सबसे ज्यादा संभावना possibility बनती है वो इस बात की बनती है कि उसका murder कर दिया गया होगा या उसकी हत्या कर दी गई होगी। Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, और अब जबकि उसका जो मकबरा है उसको लगभग 80 साल बाद उसकी कब्र से निकाला गया। And Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. तो अब उसके शरीर को उसकी कब्र से निकाल कर उस पर CT scan किया गया। CT scan यानी ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कि जो ममी है या जो बॉडी है या जो मनुष्य है उसको अंदर भेजा जाता है और वहां पर पूरे शरीर का एक्सरे किया जाता है और उसकी छोटे छोटे छोटी छोटी बहुत सारी फोटोज आती हैं और उन फोटोज को देखकर किसी भी इंसान की मतलब मृत्यु के बाद भी
या किसी का यदि कोई स्केलेटन है उसको देख के भी उसका चेहरा बनाया जाता है। और तो अब उसके शरीर का जब सीटी स्कैन किया गया तो उससे बहुत सारे नई संभावनाओं का पता चला। और फिर और क्या हुआ? एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फेरो। तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन है उसका अर्थ होता है कि किसी चीज का पुनर्निर्माण करना। और फोरेंसिक का अर्थ क्या होता है? मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जो शव का परीक्षण किया जाता है, ये ज्यादातर क्रिमिनोलॉजी में किया जाता है। तो वहां पर जो फेरो लड़के जैसा दिखाई देने वाला जो मिस्र का राजा था, उसके शव का परीक्षण करके सटीक और सही सही जानकारी प्राप्त की गई। एंड एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेवल्स एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं। एंग्री मीन्स वायलेंट, प्रचंड। स्टर्ड अप का अर्थ होता है गेव राइज टू, या खड़ा कर दिया। घोस्टली फियरफुल लाइक घोस्ट, घोस्ट यानी भूतों जैसे भयानक। डस्ट डेविल्स का अर्थ होता है फियरफुल डेविल लाइक शेप्स, भूतों जैसी भयानक रेत की आकृतियां। एंशियंट का अर्थ होता है बहुत प्राचीन, और सिमेट्री वो जगह होती है जहां पर कि डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, वेयर द डेड बॉडीज आर बरीड, कब्रिस्तान। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान जो वैली ऑफ द किंग्स या राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, वहां पर जब राजा टुट को उनकी कब्र से निकाला गया तो बहुत तेज हवाएं चल रही थीं और भूतों जैसी भयानक आवाजें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे राजा टुट नहीं चाहते थे कि उनकी जो डेड बॉडी है उसे उस पिरामिड से निकाला जाए। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। अब यहाँ पे यदि हम वर्ड मीनिंग्स देखें तो स्कडेड अक्रॉस का अर्थ होता है क्लाउड्स मूव्ड क्विकली अक्रॉस द स्काई, मतलब आसमान में तेजी से गुजरते हुए बादल। वेलिंग का अर्थ होता है कवरिंग या ढके हुए हैं। कैस्केट ग्रे का अर्थ होता है ग्रे कलर्ड बॉक्स, भूरे रंग का संदूक। ये कैस्केट वो संदूक होता है जिसमें डेड बॉडीज को रखा जाता है। और अब इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? काले फैले हुए बादल रेगिस्तान के आकाश में पूरे दिन उमड़ घुमड़ते रहे, और अब तारों को भी भूरे रंग के संदूक से जैसे कि ढक दिया गया हो। इट वॉज 6 PM ऑन 5th January 2005। और ये कब की घटना है? 5 जनवरी 2005 को सुबह 6 बजे की। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड First into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. 5 जनवरी 2000 शाम 5 बजे से विश्व का सबसे प्रसिद्ध ममी, जिसको कि सोने का मुलम्मा चढ़ाया, सोने का मुलम्मा चढ़ाने का अर्थ था उसके पूरे शरीर पर सोने की परत चढ़ाई गई थी, उसको पहली बार सीटी स्कैन मशीन पर उसके चिकित्सकीय रहस्यों को जानने के लिए लाया गया था। और ये कौन था? ये वो नौजवान शासक था जो 3,300 साल पूर्व जिसकी मृत्यु हो गई थी। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम सम 26 feet underground to pay their respect. अब यहाँ पर descended का अर्थ क्या हुआ? कि came suddenly, आ धमके, और cramped का अर्थ हुआ narrow या तंग या संकरा। Rock cut मतलब कि made after cutting rocks, चट्टान काटकर बनाई हुई। तो इसका अर्थ हुआ पूरी दोपहर तक विश्व से आए हुए पर्यटक पंक्तिबद्ध होकर, मतलब एक लाइन में, चट्टान काटकर बनाई हुई लगभग 26 फीट नीचे उस संकरे से रास्ते से होकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने जा रहे थे।
They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's glided face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. अब यहाँ पर gazed का अर्थ क्या होता है? घूर के देखना या देर तक देखते रहना. और murals का अर्थ होता है paintings done on the walls, भित्ति चित्र, दीवारों पर बनाए गए चित्र. burial chamber का अर्थ होता है कब्र की जो कमरा था जहाँ पे उसको लेटाया गया था. तो दीवारों पर टंगे हुए जो भित्ति चित्र को टुट के सोने के चढ़े हुए चेहरे को वो लोग ध्यान से देख रहे थे. Some visitors read from guidebooks in a whisper. और कुछ लोग वहां पर जो गाइड के लिए किताबें थी उसको पढ़ते हुए आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे. Others stood silently, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. ये उसके बाहरी शव पेटी के ढक्कन का उल्लेखनीय नजारा था. कुछ पर्यटक तो शांत खड़े थे, शायद वो टुट के जो बहुत कम उम्र में मृत्यु हुई थी उसके ऊपर विचार कर रहे थे, या फिर मिश्र के राजाओं के अभिशाप से उस डर से कांप रहे थे जो कि मृत्यु या दुर्भाग्य जिसके ऊपर ये आया और परेशान किया गया वो सब वास्तव में सही था, उसके बारे में ही सोच रहे थे. द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 में. कार्टर ने इस मम्मी के साथ जो कुछ किया था उसके कारण ये मम्मी बहुत ही खराब स्थिति में थी. सेड ज़ही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, एज ही लर्न्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक. ये वहां पर ज़ही हवास ने कहा जो कि मिश्र के सेक्रेटरी जनरल थे, प्राचीन वस्तुओं के प्रमुख सलाहकार थे. उन्होंने मम्मी पर थोड़ा सा झुककर और ध्यान से देखकर ये कहा था. कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टुट्स टूम आफ्टर इयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. अब कार्टर कौन थे? कार्टर थे हॉवर्ड कार्टर जो कि ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक थे. आर्कियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होते हैं जो पुरातत्व विज्ञान के ऊपर कार्य करते हैं या जिन्हें हम पुरातत्व शास्त्री कहते हैं. ये पृथ्वी के अंदर खोदकर जो प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं उनके आधार पर वो वस्तुएं किस सन की हैं, उस समय की जीवन कैसा था, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, उनके बारे में वे अनुमान लगाते हैं. तो ऐसे ही हॉवर्ड कार्टर भी एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टुट की कब्र की वर्षों बाद खोज की थी. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, were surprisingly complete. और उसकी जो प्राचीन वस्तुएं थी, हालांकि जल्दबाजी में उनमें से बहुत सारी चीजें लूट ली गई थी, परंतु फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से उन्हें पूर्ण कर दिया गया था. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. और अब ये कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा धनी और शाही संग्रहित चीजें थीं और फेरो दंत कथाओं का हिस्सा बन गई थी. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. अब जो stunning का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, artifacts in gold सोने की बनी हुई चीजें, eternal यानी कभी खत्म न होने वाली, brilliance यानी चमक, resurrection या का अर्थ होता है पुनर्जन्म. तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि आश्चर्यजनक तरीके से कलात्मक सोने से जड़ित चीजें और उनमें कभी नष्ट न होने वाली चमक ये गारंटी देती है, ये विश्वास दिलाती है कि उनका पुनर्जन्म होगा. Caused a sensation at the time of the discovery. Sensation का अर्थ होता है रोमांच, सनसनी. तो ये उसकी खोज के समय एक सनसनी
पैदा करते थे एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी वो लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं. बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स हिड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ. आफ्टर लाइफ का अर्थ होता है पुनर्जन्म, या जब मृत्यु के बाद पुनः जन्म मिलेगा तब. तो टूट के साथ ये जो सभी चीजें हैं जो हर रोज उपयोग में आती हैं, वो ये बताती हैं कि वो उसको दूसरे जन्म में जब इन चीजों की आवश्यकता होगी तो ये सब उसको आसानी से उपलब्ध होगा. बर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगार्मेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन. बर्ड गेम्स एक तरह के मनोरंजन का साधन था. ब्रॉन्ज रेजर का अर्थ होता है कांसे का, ब्रॉन्ज यानी कांसे का, जो कि एक मिश्र धातु है, उसका बना हुआ उस्त्रा. और लिनन अंडरगार्मेंट्स का अर्थ होता है सबसे अच्छे बने हुए कपड़े के अंतःवस्त्र. केसेस ऑफ फूड एंड वाइन मतलब भोजन और शराब की संदूकें, ये सब उसके साथ, उसकी टोम के साथ रखा गया था. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investing his three nested coffins. जब फरोह में दफन किए गए खजानों को महीनों बाद सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद, कार्टर ने एक दूसरे के अंदर बंद ताबूतों की जांच पड़ताल करनी शुरू की. तो इसमें मेकिंग अ रिटर्न रिकॉर्ड का अर्थ होता है रिकॉर्ड दर्ज करने के बाद, और फ्यूनररी जो शब्द है इसका अर्थ होता है कि रिलेटेड टू फ्यूनरल मतलब दफन या दाह संस्कार संबंधी. ट्रेजर्स का अर्थ होता है कि अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स मतलब खजाना, एक तरह से हम उसे खजाना कहते हैं. एंड इन्वेस्टिगेटिंग का अर्थ क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग का अर्थ होता है एग्जामिनिंग या जांच पड़ताल करना. और नेस्टेड का अर्थ होता है फिटेड इनसाइड ईच अदर मतलब तीन ताबूत एक के अंदर एक बंद किए थे और सबसे अंदर वाले ताबूत में मम्मी थी. और ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. श्राउड का अर्थ होता है कफन जो डेड बॉडी के ऊपर लपेटा जाता है. अडॉर्न्ड मींस डेकोरेटेड या उसे सजाया गया था. गार्लैंड्स यानी हार of willow and olive leaves. willow का अर्थ होता है कि भीसा की लकड़ी और जैतून की पत्तियां. wild celery मतलब कमल फूल की पंखुड़ियां, जंगली अजमोद, lotus petals कमल की पंखुड़ियां, and corn flowers the faded evidence of a burial in March or April. तो willow क्या होता है? एक tree that has soft wood भीसा या नरम लकड़ी का एक पेड़. और ऑलिव क्या होता है? ऑलिव होता है जैतून. सेलरी एक जंगली पौधा होता है. और लोटस तो हमें पता है कमल, और पेटल्स पंखुड़ियां. कॉर्नफ्लावर ब्लश पर्पल फ्लावर्स ऑफ अ वाइल्ड प्लांट एक जंगली पौधे के नीले और बैंगनी रंग के फूल होते हैं. तो ये सब क्या थे? फेडेड यानी अस्पष्ट, जो कि क्लियर ना हो. एविडेंस यानी प्रमाण या प्रूफ. When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. आखिरकार जब वो उस मम्मी तक पहुंचा, मतलब पूरे ताबूत एक के अंदर एक बंद जो कॉफिन थे उनको खोलते हुए जब वो मम्मी तक पहुंचा, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था. उसने बहुत परेशानियों का सामना कर लिया था. The ritual resins had hardened, cementing it to the bottom of his solid gold coffin. जो गोल्ड कॉफिन यानी सोने का बना हुआ ताबूत था, वो जो बक्सा था, उसमें रिचुअल रेजिंस होते हैं मतलब कोई भी जब कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, जैसे किसी पूजा के समय या मृत्यु के समय या जन्म के समय, उसे हम बोलते हैं रिचुअल. तो उस समय पे एक राल नाम का पदार्थ होता है जो सूख के कड़क हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रेजिन या राल. वो हार्डन्ड हो गया था, वो सूख कर बहुत कठोर हो चुका था. और सीमेंटिंग टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड कॉफिन, और जो सॉलिड कॉफिन था, जो ताबूत था, उससे टूट की डेड बॉडी को उसने सीमेंट यानी कस के सख्त जमा दिया था उसके बॉटम पर. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट.
और कार्टर ने लिखा है उसके बाद कि किसी भी प्रकार का तरीका उसे अलग करने में असमर्थ हो रहा था, मतलब कोई केमिकल काम नहीं आ रहा था, कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। और जो डेड बॉडी थी, जो मम्मी थी, वो ताबूत से बहुत बुरे तरीके से चिपक चुकी थी, कठोर हो चुकी थी, सीमेंट की तरह। व्हाट वॉज टू बी डन, क्या किया जा सकता था? द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजेंस। लूजन यानी ढीला करना। तो दक्षिणी मिस्र में सूरज की तीव्र गर्मी उसे हथौड़ी के समान अलग कर सकती थी, और कार्टर में रेजिन की पकड़ को नरम करने के लिए उसने यही किया। मतलब उसने जो कॉफिन थी उसको धूप में बहुत घंटे रखा, तो जो इजिप्ट, जो मिस्र की धूप थी, वो इतनी तेज थी कि वो उस डेड बॉडी को अलग कर सकती थी। अच्छा, इसी में एक चीज क्या होती है, रिचुअल कार्ड क्या होता है, यूज्ड एट अ सेरेमनी, और हार्डेंड यानी बिकम हार्ड, कड़क हो जाना, सीमेंटिंग, सीमेंट जैसा सख्त बनाया हुआ, और लेजिटिमेट का अर्थ होता है सही या उचित। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। और कई घंटों तक उसने उस ताबूत को 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में धूप में रखा। अब ब्लेजिंग का अर्थ क्या होता है, ब्लेजिंग का अर्थ होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा तपता हुआ, सनशाइन यानी धूप। नथिंग बज्ड, परंतु किसी भी चीज ने कोई भी काम नहीं किया, कोई भी शव अपनी जगह से नहीं हटा, कोई भी रेजिन ढीला नहीं पड़ा। और बज्ड का अर्थ होता है मूव्ड, मतलब कोई भी चीज मम्मी को हिला नहीं पाई। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटेचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने अपने वैज्ञानिक लेख में लिखा कि जमे हुए पदार्थ को शव से अलग करने के लिए आखिरकार छेनी का प्रयोग करना पड़ा। चीजल्ड का अर्थ होता है सेपरेटेड विद अ चीजल, छेनी से अलग करना। बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, और कंसोलिडेटेड का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ या जमा हुआ। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, अपने बचाव में कार्टर के पास बहुत ही कम मौके थे। इफ ही हैडंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अगर मम्मी को वो काट कर अलग नहीं करता तो चोर सोना चुरा कर भाग जाते और वो गार्ड्स को धोखा दे देते। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। टुट के समय में जो रॉयल्स का अर्थ होता है राजा, फैबुलसली यानी आश्चर्यजनक रूप से, वेल्दी यानी अमीर थे, एंड दे थॉट और वे ये सोचते थे और होप्ड या फिर उम्मीद करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपना धन, अपनी संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हैं, इस धोखे में वो रहते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, ग्रेट बियॉन्ड का अर्थ था मृत्यु से भी परे, अपनी मृत्यु के बाद वाली यात्रा में, किंग टुट वॉज लविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। किंग टुट वॉज लविश्ड यानी राजा टुट को लेविश किया गया था, मतलब उपहार दिए गए थे, ग्लिटरिंग यानी चमचमाते हुए, गुड्स यानी सामान, मतलब सोने का सामान, प्रीशियस कॉलर्स, प्रीशियस यानी बहुत ही कीमती कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, बहुत ही जड़ाऊ गले के हार और कंगन, रिंग्स मतलब कि जो अंगूठियां होती। एम्यूलेट्स का अर्थ होता है ताबीज, जो समथिंग वॉन्ट टू कीप अवे द एविल। फिर अ सेरेमोनियल एप्रॉन, सेरेमोनियल एप्रॉन का अर्थ होता है जो उत्सव में पहने जाते हैं, एप्रॉन यानी पेट बंद या कोट टाइप के। देन सैंडल्स जो पहने जाते हैं, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, शीट्स का अर्थ होता है
कि खोल उसकी उंगलियों के ऊपर और उसके पांव के अंगूठों के ऊपर सोने के खोल एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। तो जो आइकॉनिक है ना, एक प्रतिमा की तरह ये सब चीजें उसको कॉफिन के अंदर थी, मतलब कि उसके ताबूत के अंदर थी, और मास्क यानी उसके चेहरे पर जो मास्क लगाया था वो सभी चीजें शुद्ध सोने की बनी हुई थी, और ये सब चीजें राजा टुट को उपहार में दी गई थी उनकी मृत्यु के उपरांत। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, एडॉर्नमेंट्स का अर्थ होता है थिंग्स फॉर डेकोरेशन एंड मेकअप, सजावट का जो सामान था जो हमने अभी देखा। Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो ये सब चीजों को separated यानी अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों को क्या करना पड़ा था कि उन्हें जो मम्मी का जो सिर था उसे अलग करना पड़ा था। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed where Tut now rests. और अब क्योंकि उन्होंने कार्टर के लोगों ने ये सब उनके लगभग हर हिस्से को और जोड़ को अलग किया था, एक बार जब उनका काम हो गया तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में रेत की परतों पर पेड़ लगाकर रखा जिससे कि वो आगे नष्ट होने से बचा रहे, और इस स्थिति में टुट को रखा गया। कंसील द डैमेज, कंसील का अर्थ होता है छुपाना या बचाना, डैमेज यानी टूट फूट। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. अब यहाँ पर intriguing का अर्थ होता है mysterious, मतलब रहस्यमय, mysterious यानी रहस्यमय चीजें, और इसके बाद decades का अर्थ होता है a period of 10 years, substantially का अर्थ होता है greatly या बहुत अधिक मात्रा में। Archaeology का अर्थ होता है science of studying ancient sites या buildings, पुरातत्व विज्ञान जो पुरानी इमारतों का और ऐतिहासिक चीजों का अध्ययन करते हैं। Decades मतलब a period of 10 years, focusing मतलब concentrating on, fascinating मतलब attractive और intriguing यानी रहस्यमय। तो पुरातत्व विज्ञान इन दशकों में यानी 10 साल के पीरियड में काफी बदल चुका है। अब उनका केंद्र बिंदु टुट का खजाना नहीं है, ये उसके जीवन की मोहक सूक्ष्मताओं और उसकी मौत के चारों तरफ फैले रहस्यों पर ध्यान केंद्रित है, और इसे बहुत अधिक अधिक आधुनिक औजार भी प्राप्त हो गए हैं। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड मतलब और ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा आधुनिक टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और इसमें अब चिकित्सा की जो नई आधुनिक तकनीक है वो भी शामिल है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, 1968 में कार्टर की जो खोज थी उसके लगभग 40 साल बाद, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact, एक एनाटॉमी के, एनाटॉमी यानी शरीर संरचना के जो प्रोफेसर थे जो कॉलेज में पढ़ाते थे, उन्होंने उस मम्मी का एक्सरे किया और एक स्टार्टलिंग यानी चौंकाने वाले फैक्ट यानी तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया। वो क्या था? बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि रेजिन का वो हिस्सा जिसने उसके सीने के हिस्से को कवर कर रखा था, उसके बीनीथ, बीनीथ यानी नीचे, हिज ब्रेस्ट बोन उसके सीने की हड्डी एंड फ्रंट रिब्स और सामने की पसलियां आर मिसिंग, वो गायब थी। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य था कि आखिर उस मम्मी के इन हिस्सों को किसने चुरा लिया था या किसने वहां से हटा दिया था। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography or CT by which hundreds of x-rays in cross section are put together like slices of bread to create
a three-dimensional virtual body. और डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है कि जो एग्जामिन करे, जो निरीक्षण करे, और इमेजिंग, इमेजिंग का अर्थ होता है छवि उतारना. इसके बाद जो कंप्यूटेड होता है, कंप्यूटेड का अर्थ होता है कंप्यूटर से तैयार किया गया. टोमोग्राफी का अर्थ होता है टेक्निक ऑफ बॉडी एग्जामिनेशन थ्रू एक्सरे, मतलब एक्सरे के द्वारा शरीर के अंदर की गई जांच. स्लाइसेस ऑफ पीसेस का अर्थ होता है स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. स्लाइस का अर्थ होता है टुकड़ा या फांक, जैसे कि जैसे ब्रेड में कई स्लाइसेस होती हैं. फिर इसके बाद है थ्री डायमेंशनल, यानी कि त्रिआयामी, तीन तरफ से जो पता लगाए. और वर्चुअल बॉडी, वर्चुअल का अर्थ होता है सही या असली. तो इस पूरे वाक्य का अर्थ ये हुआ कि आज के समय में बीमारियों का जो परीक्षण किया जाता है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी एक्सरे के द्वारा, शरीर के अंदर की जांच के द्वारा सैकड़ों एक्सरे किरणें एक तीन आयामी वास्तविक शरीर की का चित्र बना देती है कंप्यूटर के ऊपर. मतलब वो इमेजिन करती है उसका और चित्र बना देती है. व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूट देन द एक्सरे. और ये जो होती है टूट की मृत्यु को एक्सरे के परीक्षण से ज्यादा सीटी स्कैन ने और अधिक उसके शरीर के बारे में हमें जानकारी दी. एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम. और फिर इन सब तकनीकों से जब उसके शरीर का परीक्षण किया गया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई, तो ये दो बड़े प्रश्न वैज्ञानिकों के सामने रुके हुए थे. और वो प्रश्न क्या थे? हाउ डिड ही डाई, कि उसकी मृत्यु किस तरह से हुई, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी. किंग टुट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. जो टुट की मृत्यु थी वो एक राजकीय स्तर पर बहुत ही बड़ी घटना थी. इसलिए थी क्योंकि बिकॉज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन. वो अपने परिवार का आखिरी व्यक्ति था, एंड मतलब आखिरी वंशज था. एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी. और उसकी जो मृत्यु थी वो पूरे के पूरे वंश को उसने खत्म कर दिया था. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स aftermath are unclear. लेकिन उसके गुजरने के बाद की जो सूक्ष्म जानकारी थी वो तब भी अस्पष्ट रह गई थी. अमेनहोटेप III, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर. जो अमेनहोटेप III था वो टुट के पिता थे या उसके दादा थे. वॉज अ पावरफुल फैरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज. वह एक शक्तिशाली फैरो था और उसने लगभग 40 सालों तक शासन किया था, जो कि 18वीं शताब्दी में एक सुनहरा समय था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of Egypt. और जो Amenhotep IV था वो उसके बाद गद्दी पर बैठा, जिसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक विचित्र समय में शासन की शुरुआत की थी. The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten. Aten सूर्य चक्र ने अपना नाम बदलकर Akhenaten यानी कि सूर्य का दास रख लिया था. And moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten. और उसने प्राचीन धार्मिक राजधानी, जिस जो कि एक पुराना शहर था जिसका नाम थेबेस था, उसको छोड़कर नए शहर Akhenaten में पहुंच गया था. Known now as Amarna. और इस जगह को अब Amarna के नाम से जाना जाता है. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples.
और इसके बाद उसने आमून पर, जो कि एक मुख्य देवता थे, उनके ऊपर आक्रमण करके लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। वहां पर उसने स्मैश्ड द इमेजेस, मतलब मूर्तियों को तोड़ दिया था, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद कर दिया था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये निश्चित ही बहुत भयंकर समय था। हॉरिफिक यानी डरावना या भयानक। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्षर, लक्षर नाम की जगह पर जो शिकागो यूनिवर्सिटी थी, उसके निर्देशक रे जॉनसन ने कहा। द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, साइट यानी दृश्य या परिदृश्य, ऑफ एंशियंट थेब्स, प्राचीन थेब्स का ये बहुत ही भयानक समय था, ऐसा रे जॉनसन का विचार था। फिर आगे वो कहते हैं, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड, एंड देन अखेंटन वेंट अ लिटिल वेकी। अखेंटन जो थे वो टुट के पिता थे, वो थोड़े से वेकी यानी कि थोड़े से सनकी हो गए थे, और वह परिवार जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया था, अब वह समाप्ति की ओर था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smekhar appeared briefly and excited with hardly a trace. Akhenaten की मृत्यु के पश्चात एक रहस्यमयी शासक जिसका नाम था स्मेखरे, उसने कुछ समय के लिए ही शासन किया और बिना ही किसी सबूत के, बिना ही किसी पहचान के वो गायब हो गया। And then a very young Tutankhaten took the throne, King Tut, as he is widely known today. और इसके बाद एक बहुत ही युवा शासक टूटनखाटेन सिंहासन पर बैठा, जो कि टुट के रूप में अधिक प्रसिद्ध था। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun. उस बालक ने अपना नाम बदलकर जल्दी ही टूटनखामुन रख दिया, जिसका अर्थ होता है आमून की जीवित तस्वीर। एंड ओवरसॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इसके बाद उसने ओवरसॉ का अर्थ होता है देखभाल की या निगरानी की, रिस्टोरेशन यानी वापस लाना। तो उस बच्चे ने पुराने तरीकों की और पुरानी जो मान्यताएं थी उनकी वापसी की। ही रेंट for about 9 years and then died unexpectedly. उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया और उसके बाद बड़े ही अलग तरीके से, बेमौके या अप्रत्याशित तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। रेंट का अर्थ होता है शासन करना और अनएक्सपेक्टेडली का अर्थ होता है बेमौके, जिसकी की कोई आशा, एक्सपेक्टेड यानी जिसकी आशा की हो, अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी आशा न की गई हो। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. Regardless का अर्थ होता है without caring या बिना ध्यान किए, और speculations का अर्थ होता है अंदाजा, एक अनुमान। Fate का अर्थ होता है fortune या भाग्य या किस्मत, और तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपने भाग्य की प्रसिद्धि और शंकाओं का ध्यान किए बगैर टुट मिश्र की कई मम्मियों में से एक मम्मी है। हाउ मैनी, कितनी है? नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। इन्वेंट्री जो है उसका अर्थ ये होता है कि संपत्ति की सूची, और काउंटिंग का अर्थ होता है कि गिनना। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ, मिश्र में एक मम्मी प्रोजेक्ट था जो कि 2003 के अंत में शुरू हुआ था, और उसमें जो संपत्ति थी, मतलब जो टोटल मम्मीज गिनी गई, वो लगभग 600 दर्ज की गई, और अभी भी इनकी गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Simons.
इट्स मैन्युफैक्चरर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरी अवस्था में मम्मियों का सीटी स्कैन करने के लिए छोटी सीटी स्कैन मशीन को नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा दान दिया गया, जिसके की निर्माता साइमंस थे। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड। और जो सबसे शुरुआत में जिन मम्मीज का स्कैन किया गया, मतलब जिन बॉडीज का स्कैन किया गया, उनमें राजा टट पहली मम्मीज में से एक थे। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अपने जीवन में और जिसने अपने शाही समय में अपने देश के लोगों के साथ में जीवन जिया था। A city machine scanned the mummy head to toe, creating 1,700 digital X-ray images in cross section. अब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है, उसका अर्थ होता है कि पूरा का पूरा उसको अनुप्रस्थ काट या बीच में से काटने पर दिखाई देने वाला भाग, स्कैंड यानी कि जिसका निरीक्षण किया जाना है। इंट्रिकेट का अर्थ होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पेचीदा। स्ट्रक्चर्स का अर्थ होता है ढांचे। तो सिर से पंजे तक सीटी स्कैन मशीन में मम्मी का एक अवलोकन किया। इससे लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे छवियां तैयार की गईं। टट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर slices to register its intricate structures takes an detail in the resulting image. और अब यहाँ पर जो एरी का अर्थ होता है विचित्र, और resulting का अर्थ होता है अंततः, entire मतलब पूरे तरीके से। तो इसके सिर का, मतलब टुट का जो सिर है, मम्मी का जो सिर है, उसका 0.62 मिलीमीटर की परतों में अवलोकन किया गया। With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. और अब specialists यानी वो लोग जो कि अपने विषय में माहिर होते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल हुए? एक तो रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी का अर्थ होता है रेडियम से उपचार, और प्रोब का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। तो इसका जो विचित्र परिणाम सामने आया, टुट के पूरे शरीर के अवलोकन में एक टीम जिसमें कि एक एक्सरे विशेषज्ञ थे, एक फोरेंसिक विशेषज्ञ थे और एक शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञ थे। तो इन सभी लोगों ने इस रहस्य को ढूंढा कि पंखों वाली देवियों ने इस शव की, जिसमें कि सोने का मलम्मा चढ़ा हुआ था, उसकी रक्षा वो काफी लंबे समय से करती आ रही थी। ये एक सीटी स्कैन मशीन है जिसके अंदर की जब इस मम्मी को भेजा गया तो उसने इस मम्मी की कई एक्सरे की प्रतियां तैयार की, जिससे कि हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में काफी मदद मिली। द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन की रात्रि के समय, वर्कमैन कैरीड टुट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। जो मजदूर लोग थे वो टुट को उसके टूम से, उसके मकबरे से एक बक्से में लेके गए। लाइक पॉल बेयरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप, वो एक ढलान पर चढ़े, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड। और जब वहां पर उसे सीढ़ियों के पास लेके गए तो वहां पर एक रेत का भंवर चलने लगा। Then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. और उसके बाद उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में लेके गए। उस हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक स्कैनर लगा हुआ था। तो पॉल बेयरर्स का अर्थ होता है वो लोग जो ताबूत उठाते हैं, और रैंप का अर्थ होता है ढलान। स्वर्लिंग का अर्थ होता है कि भंवर में बल खाते हुए चलना, और स्वर्लिंग का अर्थ होता है भंवर में बल खाते हुए चलना, और हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक का अर्थ क्या हुआ? हाइड्रोलिक का अर्थ होता है
द्रव चलित ट्रेलर मतलब कि ऐसी एक मशीन होती है जिसको कि किसी लिक्विड से चलाया जाता है। 20 मिनट्स लेटर टू मैन एमर्ज स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस। 20 मिनट के बाद उसमें से जो दो कर्मी थे वो बाहर आए। वो दौड़कर नजदीक के कार्यालय में गए और दो जोड़े प्लास्टिक के पंखे लेकर वापस आए। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। जो इतने अरबों डॉलर की जो स्कैन मशीन थी उसने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके कूलर पंखे में रेत चली गई थी। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। अब उनमें से एक गार्ड था जो कि बड़ा निराश हो गया था और उसने विचलित होकर कहा कि ये फरो का अभिशाप है। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क्ड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है विकल्प के तौर पर और प्रोसीजर का अर्थ होता है कि कोई भी प्रक्रिया। तो विकल्प के रूप में जो प्रयोग किए गए पंख थे जब पंखे थे उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में सहायता की। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न्ड इट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि वो जो टेक्नीशियंस थे जिन्होंने जो तकनीक कर रहे थे उन्होंने परीक्षण करने के उपरांत ये पता चला कि कोई भी डाटा खत्म नहीं हुआ है तो उन तकनीक कर्मियों ने पुनः टुट को मजदूरों के हवाले कर दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम जो कि उसको उसके कब्र में वापस ले गए। लेस देन 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग। अब यहाँ पर फ्यूनररी प्रीस्ट का अर्थ क्या होता है? वो पुरोहित जो कि अंतिम संस्कार पूरा कराते हैं। तो 3 घंटे से भी कम समय के अंदर ही टुट को वापस उसकी कब्र में डाल दिया गया जहां पर अंतिम संस्कार करने वाले पुरोहितों ने उसे बहुत पहले दफनाया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब इसके बाद जो तकनीक कर्मी थे उन्होंने टुट की बहुत ही अस्टॉनिशिंग यानी आश्चर्यजनक तस्वीरें कंप्यूटर के पर्दे पर उतारी। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और ग्रे हेड का अर्थ हुआ भूरे बालों वाला सिर। स्कैटरिंग का अर्थ हुआ बिखरी हुई। और पिक्सेल्स क्या होता है? कंप्यूटर पर रोशनी के छोटे छोटे बिंदु। स्पन का अर्थ होता है घुमाया और टिल्टेड का अर्थ होता है झुकाया। तो इस पूरी लाइन का अर्थ ये हुआ कि भूरे रंग का सिर जिस पर कंप्यूटर पर छोटे छोटे बिंदु के आकार बन रहे थे तकनीकी कर्मियों ने उसे घुमाकर झुकाकर सभी दिशाओं में उसका परीक्षण किया। नेक वर्टिब्री अपियर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। और उसके जो सिर की और गर्दन की हड्डियां बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल। फिर इसके बाद जब आगे की तस्वीरें उठाई गईं, तो उसमें एक हाथ पसलियां और खोपड़ी के अन्य नजारों को दिखाया गया। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। और अब जो तनाव था वो काफी कम हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जही हबास स्माइल्ड विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और इसके बाद जो जही हवास थे उन्होंने चैन की सांस ली और ये महसूस किया कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ। मतलब बहुत ज्यादा कुछ गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई गो एंड स्लीप।
तो वो ज़ही हवास कहते हैं कि कल मैं रात भर नहीं सोया, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। उन्होंने कहा, मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, क्योंकि पहली चीज़ तो ये थी कि ये काम अच्छे से होगा या नहीं होगा। दूसरी चिंता उन्हें ये लग रही थी कि ये जो लोगों ने इसके बारे में मान्यता फैला रखी थी कि ममीज को छूने से या स्कैन करने से शाप लगता है, तो इसलिए वो काफी चिंतित थे। लेकिन अब वो बोल रहे थे कि अब मैं सोचता हूँ कि मैं सोने जाऊंगा। By the time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped. और अब उस समय जब हम ट्रेलर को छोड़कर आए थे, तो लोहे की सीढ़ी से उतरकर हम रेत के मैदान में आए और वहां पर हवा रुक चुकी थी। तो The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. और हवा जो थी वो बहुत ज्यादा ठंडी हो गई थी, साथ ही साथ वो काफी स्थिर भी हो गई थी, जैसे मृत्यु स्वयं इस मौत की घाटी में आई हो। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. Tut के मकबरे के ठीक ऊपर तारों के समूह का एक झुंड था, जिसे ओरियन, ओरियन का अर्थ होता है मृग, के नाम से जाना जाता है। इस समूह को मृत्यु के पश्चात जीवन के देवता ओसिरिस की आत्मा के रूप में जाना जाता है। वो इस किशोर राजा की निगरानी कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेसन एंड इट विल हेल्पफुल फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस आल्सो। जल्दी ही इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेकर भी मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।